पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहां बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं, नहीं, सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक, सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है, इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकेंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन देके मैं हिमाचल से जा रहा हूं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर,
खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो।